दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। एमसीडी चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे। 4 दिसंबर वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दिल्ली में मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होने वाला है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल धर्म संकट में फंस गए हैं। केजरीवाल के धर्म संकट का मुख्य कारण क्या है, आइए जानते हैं। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 1 दिसंबर और दूसरा चरण 5 दिसंबर को होगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। वहीं एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होंगे और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को खासा दम लगाना पड़ेगा। संगठन के लिहाज से बीजेपी आम आदमी पार्टी से काफी बड़ी है। बीजेपी की जड़ें गुजरात में पहले से मजबूत हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है। आइए जानते हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल। दिल्ली एमसीडी चुनाव शेड्यूल। नोटिफिकेशन 7 नवंबर, नामांकन की आखिरी तारीख 14 नवंबर, नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 19 नवंबर, वोटिंग 4 दिसंबर और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव शेड्यूल। नोटिफिकेशन 5 नवंबर और 10 नवंबर, नामांकन की आखिरी तारीख 14 और 17 नवंबर, नाम वापस लेने की तारीख 17 और 21 नवंबर, वोटिंग 1 और 5 दिसंबर, नतीजे 8 दिसंबर। पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगी है, लेकिन दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है। गुजरात में 27 साल और दिल्ली एमसीडी में बीजेपी पिछले 15 सालों से कब्जा है। दोनों राज्यों में बीजेपी को थोड़ी आसानी हो सकती है, लेकिन आपको अब नई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। गुजरात और दिल्ली नगर निगम के चुनाव एक समय पर होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने चुनावी अभियान को कैसे आगे बढ़ाएगी, ये आगे आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा।